नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GS जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आज है गुरु पूर्णिमा, तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं यहां से निकल रहा था तो सोचा कि आज इतना पवित्र दिन है, पावन दिन है, तो सोचा कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया जाए। तो दोस्तों, गुरु की अपने आप में एक अलग भूमिका होती है। जैसा कि शास्त्रों में बोला गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे, और आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो यहाँ पर देखो, प्राचीन काल से ऐसा बोला गया है कि भाई गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हमें किसके पैर छूने चाहिए, किसको पहले प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है गुरु को। तो आखिर गुरु को इतना बड़ा पद क्यों दिया गया है, गुरु को इतना महान क्यों बताया गया है। तो दोस्तों, प्राचीन काल से ही सबसे प्रथम गुरु माता पिता को माना गया है, क्योंकि माँ बच्चे को वो सारे गुण पेट में ही बता देती हैं जो वो एक्ट करती हैं। जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो सब चीज़ें सीखता जाता है, समझता जाता है माहौल के हिसाब से, लेकिन प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। उसके बाद आपको पता हो कि प्राचीन काल में शास्त्रों में पढ़ने के लिए बच्चों को आश्रमों में भेज देते थे, लेकिन वर्तमान समय में आश्रम की व्यवस्था नहीं है, फिर भी गुरु का पद वैसा ही बरकरार है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहता कि उसके शिष्य का बुरा हो। गुरु हमेशा चाहेगा, चाहे शिष्य छोटा हो तो भी उसको बढ़ाने की सोचेगा। अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो भी गुरु आपको आगे बढ़ाएगा, कम पढ़े लिखे हो तो भी गुरु आपको पढ़ाएगा। लेकिन इतिहास में एक गुरु ऐसे हुए हैं, द्रोणाचार्य, जिनका आपने नाम सुना हो। लोग उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं करते, बोलते हैं कि गुरु द्रोण ने बहुत गलत किया है एकलव्य के साथ में, एकलव्य का अंगूठा काट दिया, जबकि एकलव्य ने मूर्ति बनाकर गुरु की पूजा की, उनको अपना सर्वस्व माना। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि गुरु किस प्रकार महान है, किस प्रकार गुरु ने सोचा द्रोण के बारे में। तो द्रोण ये ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई हमारा अर्जुन ही धनुर्धर बना रहे, अर्जुन के अलावा कोई किसी को ना जाने। ध्यान से सुनना दोस्तों, द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा, क्यों मांगा, ध्यान से सुनना, देखना। द्रोण जानते थे कि अगर मैं एकलव्य को अगर मैं धनुर्धारी बना भी दूं अर्जुन के समान, तो एकलव्य के पास कोई ऐसा कुल नहीं है, ऐसा वंश नहीं है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा पाए, या फिर रण में अगर खड़े भी हो जाएं ये अर्जुन के साथ में, तो दोस्तों वो बराबर का ओहदा नहीं मिल पाएगा एकलव्य को जो अर्जुन को मिलता है। भले ही वो बराबर है, जैसे आपने अंगराज कर्ण का सुना होगा, दुर्योधन ने अंग देश प्रदान किया था कर्ण को, इसीलिए उसको जानते हैं लोग, नहीं तो कितना बलवान शक्तिशाली होते हुए भी उसे नहीं जानते थे। तो यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि भाई द्रोण ने अंगूठा क्यों मांगा। तो मैं आपको बता दूं, द्रोण ने अंगूठा इसीलिए मांगा, द्रोण ये नहीं चाहते थे कि उसको पीछे हो जाए अर्जुन आगे हो जाए। अंगूठा इसीलिए मांगा कि इतिहास में इसका नाम लिख जाए स्वर्णिम अक्षरों में कि अर्जुन के समान धनुर्धर था ये, इसीलिए अंगूठा काटा, क्योंकि उसके पास वंश नहीं था, कोई महान वो नहीं थी उसके पास वो दिखाने के लिए कि कुल बहुत बड़ा जो सपोर्ट करे। पहले महाराजा का बेटा ही महाराजा बनता था, बड़े व्यक्ति की प्रतिभा छुप जाती थी, ध्यान सुनना, जो छोटा रहता था बड़ा अपनी प्रतिभा आगे निखार देता था। तो गुरु द्रोण भविष्य को जानते थे, वो चाहते थे कि एकलव्य ने इतनी मेहनत की है तो मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उसकी प्रतिभा को निखारना चाहता हूँ, इतिहास में उसका नाम दर्ज कराना चाहता हूँ, इसीलिए द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांगा। और आज हम एकलव्य को अर्जुन के बराबर मानते हैं और उसके अंगूठे के कारण दुनिया जानती है। तो दोस्त, गुरु की कभी निंदा नहीं कर सकते हम, गुरु हमेशा ही महान होते हैं, हमेशा ही वो अपने शिष्य का भला चाहते हैं। ध्यान से सुनना, आप क्या हो, माटी के समान हो, आपको जिस प्रकार ढाला जाएगा, जैसे विचार आप में डाले जाएंगे, आप वैसे ही क्या होते जाओगे, बढ़ते जाओगे। अगर गलत बीज बोएंगे आप में, आरक्षण को लेकर लोग विवाद करते हैं, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है,
संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण करने वाले हमारे एक तरह से गुरु थे। जिस प्रकार घर में माता पिता अगर 5 बच्चे हों, 1 बच्चा विकलांग हो, तो वसीयत लिखते समय विकलांग बच्चे को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वैसे ही उस जमाने में जो लोग पिछड़ चुके थे, जो लोग निकृष्ट काम करते थे, समाज के साथ में खड़े नहीं हो पाते थे, उन्हें बराबर लाने के लिए आरक्षण की प्रथा चालू की है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग वर्तमान में भी हमारे बराबर आ चुके हैं। तो कुछ चीज़ों को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, लोगों की बातें सुन के बुराई नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु को इतना महत्व इसलिए दिया है कि गुरु कभी भी अपने शिष्य की बुराई नहीं करता, चाहे जैसा शिष्य हो उसको हमेशा आगे बढ़ाता है। और सच्चे गुरु का कर्तव्य भी यही है कि अपने शिष्य को आगे बढ़ाए। रुपए, दौलत, धन, ये सब चला जाएगा, शिक्षक केवल अपनी शिक्षा के लिए जाना जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे सारे गुरुओं को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और ये जो शांत माहौल है, इसे देखकर मुझे लगा यार कि आप लोगों को कुछ बताया जाए। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी और आप मुझको अपना गुरु, दोस्त, जो भी समझते हो, तो मुझे बताना क्या आपने कुछ सीखा है इससे, अपने विचारों को बढ़ाया है आपने। तो हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा सम्मान करें, आप जिसको भी गुरु माने उसका सम्मान करें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने गुरु को बड़ा मानते हो या नहीं। जय हिंद, जय गुरु।